नई दिल्ली सिविक सेंटर में स्थायी समिति की बैठक में बीजेपी डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने कहा, जब जब भ्रष्टाचार होगा मैं बोलता रहूंगा। विजेंद्र यादव ने अपने ही डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार होगा, बक्सा नहीं जाएगा। करोल बाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तो वहीं पर भ्रष्टाचार को लेकर जांच की मांग भी की है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आपने अपने ही एक कर्मचारी पे कार्रवाई की मांग की है, क्या कहना है इस पर आप? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग है और मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरोध हूं। मैं भ्रष्टाचार के किन के प्रेरणा स्रोत से, किन के आदर्शों पे चलकर इसमें मैं हूं, वो हैं सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस पर ही कार्य करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई की जंग में जीतना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनकी बात को सर आंखों पर चलते हुए मैं इस कार्य को अंजाम देने में तुला हूं। एक तरफ पद है, एक तरफ कोई अगर हमारा आदमी चाहे वो गलत है तो उसके खिलाफ भी बोलना कोई गलत नहीं है। पूरे दिल्ली में ये मैसेज है कि हमने अगर कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसके अंदर हम उस पर कार्य कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है तो हम कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से मुंह नहीं मोड़ रहे। हमने MCD की जो बदनामी होती है उस पर हम उस बदनामी को नहीं होने देंगे और हम चाहेंगे कि जो अच्छे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सम्मान मिले, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको 56 में रिटायर किया जाए। केजरीवाल तो अपनी फाइलें दिखाकर, हजारों पन्ने की फाइलें रखता था, उसने किस नेता के सामने नहीं क्या कुछ बोला कि जी ये गलत है, तो अगर गलत है तो उठाता ना उसको, FIR कराता ना उन लोगों के ऊपर, तब हम मानते कि हाँ उसने कोई कार्य किया। वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और रखता है। केजरीवाल ने एक नई और सिस्टम शुरू कर दिया है, रेड लाइटों पर बॉम्ब खड़े कर दिए हैं, प्रदूषण, गाड़ी स्टॉप, प्रदूषण खत्म। पहले वो कहता था कि जी गमला पलटो भाग जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू मच्छर भाग जाएगा। दिखावे की बातें करने में सबसे अगर जादूगर का खिताब दिया जाए तो वो केजरीवाल को है। उसने कोई FIR नहीं कराई। अगर वो गलत कामों को रोकने में, मैं मान लेता कि उसने कोशिश की, लेकिन गलत कामों पे कहां लगाम लगाई? नहीं लगाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से 2014 में भारत सरकार बनी है तब से उनका एक ही ध्येय है। आपको एक एग्जांपल और मैं देता हूं, आप देखिए 2019 के अंदर 17 नवंबर को 38 जो अधिकारी थे, भ्रष्ट अधिकारी थे, उनको क्या किया गया? 56 में रिटायर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये मुहिम किसकी है, ये ड्राइव किसकी है? आदरणीय मोदी जी की है। हम किसके फॉलोअर्स हैं? आदरणीय अमित शाह जी के फॉलोअर्स हैं। जो हमारे नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं हमें उनकी प्रेरणा को मानना चाहिए, हमें उनके ही फॉलोअर्स बनकर कार्य करना चाहिए। जो प्रदूषण इंजन बंद करके कह रहे हैं जी कि भाई ये प्रदूषण खत्म हो जाएगा इंजन बंद करने से, अरे भले मानस, केजरीवाल जी अगर आप प्रदूषण ही खत्म करने पर आए हो तो इस प्रदूषण में जो इतना खर्चा उठा रहे हो, जो आपने इतने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, इनके पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो इनको भाई जो कर्मचारियों की तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, 3,000 करोड़ रुपया आपने MCD का देना है, क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों उन पर रोक लगा रखी है? आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।